नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और उनके बारे में क्या क्या जानकारी होती है, ये हमने कक्षा एक में भी पढ़ा था। तो आइए हम इसका पूरा पुनरावर्तन करते हैं। संयुक्त व्यंजन आज हम संयुक्त और प्रवृत्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ऐ, ऐ, ओ, औ। तुम कौन हो? मैं एक व्यंजन हूँ। जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। स्वरों के अतिरिक्त वर्णमाला के अन्य सभी वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क और अ, क। क एक व्यंजन है। पर ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? मैं एक संयुक्त व्यंजन हूँ। मेरा निर्माण दो व्यंजनों के जुड़ने से हुआ है। जब कभी एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है, तब मेरा निर्माण होता है और मैं संयुक्त व्यंजन कहलाता हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, विस्तार से समझाओ। देखो, अ और अ, क एक व्यंजन है। श और अ, श भी एक व्यंजन है। जब कभी क स्वर रहित और श स्वर सहित आपस में मिलते हैं, तब संयुक्त व्यंजन श का निर्माण होता है। क और श, श। इसका मतलब ज संयुक्त व्यंजन है। सही पहचाना। श के अलावा प्र, क्य, श्र भी संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहले जिन्हें वर्णमाला में स्थान मिला है, इनकी संख्या चार है। त और र, प्र। च और या, क्य। श और र, श्र। इनके अलावा भी संयुक्त व्यंजन होते हैं? हाँ, सभी संयुक्त व्यंजनों को वर्णमाला में स्थान नहीं मिला, इसलिए उन्हें लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे विद्यालय में प्रयुक्त द्या, नन्हा में प्रयुक्त न, द्या, न्या इत्यादि संयुक्त अक्षर हैं। क्योंकि इसमें भी स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर सहित व्यंजन से जुड़कर एक नया व्यंजन बना रहा है जो कि संयुक्त है। ध्या के अलावा ध इत्यादि भी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन का एक तीसरा प्रकार भी है। संयुक्त व्यंजन का एक तीसरा प्रकार प्रवित्व व्यंजन भी कहलाता है। इसे लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। जब एक स्वर रहित व्यंजन का अपने समरूप
स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जब दो समान व्यंजन जुड़ते हैं तब द्वित्व व्यंजन बनता है। बच्चा शब्द में प्रयुक्त च, च और च, च, क और क, प। इसका मतलब र, ज, श संयुक्त व्यंजन है, य, द इत्यादि संयुक्त अक्षर है, च, क इत्यादि द्वित्व व्यंजन है। सही समझे। उन शब्दों को रेखांकित करें जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। परीक्षा, कागज, किताब, क्षेत्रफल, विद्यालय, प्रार्थना, गन्ना, गिलहरी। द्वित्व व्यंजन क, च, व, द। नया शब्द मक्का, सच्चाई, डब्बा, गद्दी। प्रश्न तीन, पाठ में प्रयुक्त नन्हा शब्द को ध्यान पूर्वक देखो। शब्द का दूसरा अक्षर संयुक्ताक्षर है। नन्हा बराबर न प्लस न हा संयुक्ताक्षर। ऐसे ही कुछ और शब्द पाठ से छाट कर लिखो और उनमें संयुक्ताक्षरों को चिन्हित कर उच्चारण करो। यह आपका गृह कार्य है, आपको करना है। कार्य पत्रक संख्या 2.8, मध्यवर्ती भाषा कौशल। प्रश्न एक, कविता से बिंदु यानी अनुस्वार और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक के तीन तीन शब्द चुनकर लिखो। बिंदु और चंद्र बिंदु, पहला है मंद और चंद्र बिंदु में है आंखें। आओ बच्चों हम देखते हैं इसके और उदाहरण जो हमने कैसे लिखे। दूसरा है नींद, चंद्र बिंदु में लिखा अंगड़ाई। संसार बुंदो, अंतर आंख। तो बच्चों हमने ऐसे इसको अनुस्वार और चंद्र बिंदु में कविता में से छाड़कर शब्द लिखे। प्रश्न दो, कविता के इन पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। क, तुम आंखें अलसाई खोलो। ये पंक्तियां उल्टी सीधी दिखी गई है, इनको हमें सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में कैसे, उदाहरण में लिखा हुआ है अलसाई आंखें खोलो तुम। दूसरा ख, बीच के उसी में था अंतर। तो आओ जानते हैं इसका सही उत्तर। तो उत्तर है उसी बीज के अंतर में था। प्रश्न ग है जल पर उस बरसाया। ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसे हमें सही क्रम में जमाना। आओ दोनों के उत्तर फिर से हम देखते हैं। उस पर जल बरसाया, दोनों उत्तर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों आज हमने संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और इसे द्वितीय अक्षर भी कहते हैं, यानी संयुक्त अक्षर भी कहते हैं इसे। आज इसके अलावा हमने अनुस्वार और अनुनासिक के कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया। बच्चों ये सारे प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और इनका पुनरावर्तन करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।